मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए शनिवार को प्रवर्तक निदेशालय के सामने पेश हुए। मंत्री से करीब 4 बजे तक ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने गहलोत से धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पूछताछ की है। बता दें कि कैलाश गहलोत केजरीवाल मंत्रिमंडल में परिवहन गृह कानून मंत्री हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक परिवहन मंत्री से ईडी ने क्यों आबकारी मामले में पूछताछ की है, उनका इस मामले में क्या कनेक्शन है। ईडी के अधिकारियों ने शनिवार को मंत्री से आबकारी नीति के संबंध में पूछताछ की और उनसे कई सवाल पूछे जो आबकारी नीति से जुड़े हुए थे। उसे आबकारी नीति और उनसे जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों पर भी सवाल किए गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। मंत्रियों को यह समूह 2021-22 के लिए नई शराब योजना बनाने के लिए बनाई गई थी। कैलाश गहलोत उसके हिस्सा थे। बता दें कि ईडी ने मामले में सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में ईडी के अधिकारियों ने अब कैलाश गहलोत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने उनसे आबकारी नीति से संबंधित कई सवाल पूछे हैं और उनसे जानकारी मांगी है। ईडी ने आरोप लगाया है कि उत्पाद शुल्क नीति साउथ ग्रुप शराब लॉबी को लीक किया गया था, जिसमें भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता शामिल थी। ईडी ने के कविता को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने आप सरकार के मंत्रियों पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। ईडी के आरोप पत्र में गहलोत का नाम का भी जिक्र है। उन पर भी ईडी ने आबकारी नीति में शामिल हुए भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया है और अपने आरोप पत्र में ईडी के अधिकारियों ने इसका जिक्र भी किया था। अब ईडी के अधिकारी जब सीएम अरविंद केजरीवाल सहित उनके मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुके हैं, तो अब अशोक गहलोत से भी इस बारे में पूछताछ की गई है।